चलो चलो जी।
क्षेत्रों को आगे ज्यादा लंबाने के लिए हमें सभी लोगों के साथ राम मंदिर करेंगे और साथ ही साथ आगे हमारे जीवन साथ को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए स्वागत करता हूँ। आप नहीं हो मिट्टी का कटाव रोके, ऊपर से नाले को रोके, उसको पानी को मिट्टी को इस तरह से उपयोग करें, जानवरों की उसकी चराई पर रोक लगाए, पेड़ों की कटाई पर रोक लगाए, मिल बैठ के वो आई लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए भी कुछ शिक्षण लेकर के कुछ नए गतिविधियों में काम सिखा के उनको भी जीवन को चलाने के लिए जीवों को पालने के लिए कुछ साधन दें। धीरे धीरे हमको समझना आएगा कि हम जानते क्या है आप। हम सिर्फ यही जानते हैं कि आपके क्षेत्र में जो भी हमने परियोजना लगाई है कि जल ग्रहण क्षेत्र विकास की, जल का उपयोग, मिट्टी का उपयोग, कई फसल लेना, कई तरह की खेती करना, चावल एक तरह का धान लगाते हैं, आम लगन से सब करो, मेहनत सबको करनी पड़ेगी और गांव में जो कई तरह के सामाजिक जो नियंत्रण है उसको मजबूत करो। पहला, पशु चराई, खुली चराई रोकने से हमारे प्रकृति का जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा। जंगल काटोगे नहीं तो जंगल बना रहेगा, पर्यावरण बना रहेगा, बारिश की कमी नहीं होगी, वरना बारिश की कमी का कारण भी यही है। तीसरा, जो पूरी गांव के सभी परिवारों का विकास साथ में करना चाहिए, एक दूसरे को देखना चाहिए कि जिसको तकलीफ है उसकी तकलीफ कैसे कम की जाए। लोगों में यही कहते हैं ना, शांति आदर न्याय इतना नहीं रखे भेदभाव है, हमला का करना है अब नवा सुरा लाना है। Thank you.